वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। इस दुनिया अंदर हर कोई दुखी है, माया तो बिना वाला भी दुखी है, माया वाला भी दुखी है। कोई बीमारी कारण दुखी है, कोई औलाद कारण दुखी है, किसी कोल इह नहीं है, किसी कोल ओह नहीं है, भाव हर कोई दुखी है। क्योंकि संसार है ही दुखा दा नाम, इसलिए संसार दी किसी वस्तु अंदर भी सुख नहीं, ता फिर सुख कित्थे है। सुख केवल और केवल वाहेगुरु नाम अंदर है। कदी अमृत वेले उठ के इशनान करके वाहेगुरु नाम नाल जुड़ के ता वेखो किन्नी शांति मिलती है, जो कदी पहले नहीं मिली। अते इस सड़दे बलदे संसार तो मुक्ति पौन दा रस्ता भी केवल वाहेगुरु नाम ही है। केवल वाहेगुरु नाम दे नाल ही जन्म मरण दे गेट तो छुटकारा पाया जा सकता है। साड़ी अज दी साखी किस तरह एक शेर ने भी नाम दी भक्ति कीती अते उसनों परम आनंद दी प्राप्ति होई अते उस दा जन्म मरण भी कटिया गया। एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनों लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दुआपर दे अवतार श्री कृष्ण जी होए हन अते अर्जन जो कि उन्हां दा प्यारा भगत सी, पर उस दे अंदर होमे सी कि मेरे जिन्ना प्यारा भगत तां कोई है ही नहीं। एक दिन अर्जन आया अते श्री कृष्ण जी समाधि विच बैठे सन, ध्यान धरिया होया सी। अर्जन बैठ गया, जदों श्री कृष्ण जी ने समाधि खोली तां अर्जन कहन लगा, कृष्ण जी लोकी तुहाडा ध्यान धरदे हन, तुसी अवतार हो द्वापर दे, अज मेरी एक शंका दा हल कर दिओ। लोकी तुहाडा ध्यान धरदे हन पर तुसी किस दा ध्यान धरिया होया है? तुसी समाधि विच बैठे होए सी, अखां बंद सन, लोग तुहाडा ध्यान धरदे हन अते तुसी किसे होर दा ध्यान धरिया सी। अगों श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जन मैं उन्हां भगतां दा ध्यान धरदा हाँ जिहड़े स्वास स्वास सिमरन करदे हन। तां अर्जन ने कहा, भावें उन्हां भगतां दा ध्यान धरदे पए हो जिहड़े स्वासा सिमरन करदे हन, पर मेरे तो वड्डा तां कोई नहीं है। कि मेरे तो भी वड्डा तुहाडा कोई होर भगत है? श्री कृष्ण जी ने सिर हिला दिता अते कहन लगे, अर्जन तेरे तो भी वड्डे वड्डे भगत हन। तां अर्जन ने कहा कि मैनू भी उन्हां दे दर्शन कराओ। कृष्ण जी ने कहा, जंगल विच जाना पवेगा अते ओह जंगल विच तुर पए। जदों जंगल विच पहुंचे तां की वेख्या, एक नदी दे किनारे एक शेर सी जो कि सीधा खड़ा समाधि विच लीन सी सिमरन करदा पिया सी। यह साखी भाई मनी सिंह जी की टकसाल ने भी लिखी है अते यही साखी ज्ञानी कृपाल सिंह जी ने भी लिखी है। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जन वेख ना इसने कुछ खादा है ना ही कुछ पीता है, नदी किनारे प्यास लगी है पानी भी नहीं पी रहा, इसलिए कि मेरा स्वास स्वास सिमरन जो चलता पिया है मैं उस तो वांझा ना रह जावा। अते श्री कृष्ण जी ने अर्जन नु कहा, तू भगत है अते आ शेर मेरा परम भगत है, परम भगत वड्डा भगत हुंदा है। यह सुनदिया ही अर्जन दी सारी होमे निकल गई। हुण कृष्ण जी ने कहा, अर्जन जा इस दे कन विच परमेश्वर दा नाम बोल। जदों अर्जन ने शेर दे कन विच परमेश्वर दा नाम बोलिया अते शेर ने अखां खोलियां ते सामने वेख्या कि कृष्ण जी दर्शन दे रहे हन। जदों ओह अगे वधण लगा तां श्री कृष्ण जी ने कहा, रुक जा पहला पानी पी ले क्योंकि तेरा अखीरला वेला है। अर्जन दा तां केवल बहाना सी, आए तां ओह दर्शन देन सन। ओह परम भगत सी। कृष्ण जी ने कहा, पहला पानी पी ले किते तेरी बिरती जल विच ही ना रह जावे। पहला शेर ने जल छकिया अते फिर कृष्ण जी कोल आ के नमस्कार कीती अते नाल ही शरीर त्याग दिता। ओह शेर सीधा सचखंड गया। भाई मनी सिंह जी दी टकसाल ने भी यही साखी अंदर लिखिया है कि श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि मैं उन्हां भगतां दा ध्यान धरदा हाँ जिहड़े स्वास स्वास सिमरन करदे हन,
तू भगतां कै वस, भगतां तन तेरा। इस साखी तो साडे लई भी सेध है, सानू भी अरदास करनी चाहीदी है कि गुरु पिता दी साडे उपर भी कृपा होवे अते असी भी स्वास स्वास सिमरन नाल जुड़िए अते साडा जन्म मरण भी कटिया जावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।